रहते हुआ तुम पास मेरे। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं आप कुछ इस तरह का हनुमान जी पीएनजी फोटो के साथ में शायरी स्टेटस वीडियो को एडिट कैसे करें। अगर गाइस आप भी कुछ इस तरह का हनुमान जी शायरी स्टेटस वीडियो को एडिट करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर आएं। इस वीडियो में मैं आपको एक एक स्टेप के साथ में वीडियो को एडिट कर बताने वाला हूं। बस आपको वीडियो को ध्यान से एंड पूरा एंड तक वॉच करना है। अब वीडियो को एडिट करने के लिए सबसे पहला काम करना है आपको शायरी वगैरह पीएनजी के साथ में क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको हर बार की तरह पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करना है। जैसे गाइस आप अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन को ओपन करोगे सबसे पहला काम करना है आपको न्यू टेक्स्ट को डिलीट करना। न्यू टेक्स्ट को डिलीट करने के बाद में आपको ऊपर की साइड में थ्री लाइन पर टैप करना है। डन आपको जाना है इमेज साइज पर। इमेज साइज पर जाने के बाद में यहाँ पर जो फर्स्ट में 1200 सी लिखा है इसको कट करना है। यहाँ पर आपको 720 लिखकर ओके करना है। इतना करने के बाद में अब आपको इसमें पीएनजी फोटो को सिलेक्ट करना है। तो मैं सबसे पहले बैकग्राउंड को व्हाइट कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब आपको इसमें हनुमान जी का पीएनजी वाला फोटो सिलेक्ट करना है। तो उसके लिए आपको ऊपर की साइड में प्लस के आइकन पर टैप करना है। डन आपको जाना है फॉर्म गैलरी पर। फॉर्म गैलरी पर जाने के बाद में अब आपको यहाँ पर जो पीएनजी वाला फोटो सिलेक्ट करना है इसका लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम पर एंड इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो आप इस वाली पीएनजी फोटो को टेलीग्राम से या फिर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में से डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में जैसे मैंने बताया ना सेम तरीके सेलेक्ट करना है। डन आपको इसके बैकग्राउंड वगैरह को रिमूव करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको कंप्लीट पीएनजी बनाकर दे दूंगा। आपको सिंपल सी डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में जिस जगह पर मैंने इनको ऐड किया ना वहीं पर आपको ऐड करना है। उसके बाद में आपको ऊपर की साइड में प्लस के आइकन पर टैप करना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। एडिट पर जाना है। एडिट पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक शायरी लिखना है हनुमान जी वाला। अगर आपको शायरी वगैरह नहीं आता है तो आपको गूगल पर जाना है। वहाँ पर आपको सर्च करना है हनुमान जी टू लाइन शायरी। तो वहाँ पर आपको काफी सारा शायरी मिल जाता है। सिंपल से आपको कॉपी करना है। शायरी को कॉपी करने के बाद में आपको पिक्सल लैब एप्लीकेशन में आकर पेस्ट करना है। डन आपको इसको और भी ज्यादा स्टाइलिश बनाना है। तो उसके लिए आपको पॉइंट वगैरह को ऐड करना है। तो उसके लिए आपको जाना है अपने पॉइंट वाले सेक्शन में। पॉइंट पर जाने के बाद में आपको जाना है माई पॉइंट पर। अब आपको यहाँ पर वीडियो को ध्यान से देखना है। जैसे कि मैंने अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर काफी सारा हिंदी का पॉइंट ऐड किया हुआ है। अब आपको यही वाला पॉइंट अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर ऐड करना है। अब आपको इन पॉइंट को अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर ऐड किस तरीके से करना है इस टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है अपने सेकंड वाले चैनल पर। तो आपको उस वाली वीडियो का लिंक मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। उसको देखकर आप ये वाले पॉइंट अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन के अंदर ऐड कर लेना। पॉइंट को ऐड करने के बाद में अब आपको ये वाले पॉइंट अपने टेक्स्ट में ऐड करना है। तो टेक्स्ट में ऐड करने के लिए आप इनको डायरेक्टली यहाँ से यूज नहीं कर सकते। उसके लिए आपको एक अलग एप्लीकेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो मैं आपको बता रहा हूँ आपको सिंपल सी प्ले स्टोर पर जाना है। वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन मिलेगा इंडियन पॉइंट कन्वर्टर नेम से। तो आपको इंडियन पॉइंट कन्वर्टर एप्लीकेशन को ओपन करना है। डन आपको सेकंड नंबर पर यूनिकोड कुर्तीदेव पे टैप करना है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल से आपको यूनिकोड कुर्तीदेव पे टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे आपके सामने दो टाइप के ऑप्शन आएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपको इन दोनों टाइप में जो आपने पिक्सल लैब में शायरी को पेस्ट किया था ना वही शायरी को आपको दोनों टाइप में पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर टैप करना है। जो मैं बता रहा हूँ ना वो स्टेप आपको फॉलो करना है। यहाँ पर आपको टैप करना है। डन आपको इस टेक्स्ट को कॉपी करना है। टेक्स्ट को कॉपी करने के बाद में आपको इस एप्लीकेशन से बैक आना है। डन आपको अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में जाना है। अब आपने जो पहली शायरी लिखा था आपको एडिट पर जाकर उस वाली शायरी को कट करना है। कट करने के बाद में आपने जो इंडियन पॉइंट एप्लीकेशन से कॉपी किया था ना वो वाली शायरी को यहाँ पर पेस्ट करना है। शायरी को पेस्ट करने के बाद में अब आपको ओके करना है। ओके करने के बाद में अब आपको जाना है पॉइंट पर। पॉइंट पर जाने के बाद में आपको जाना है माय पॉइंट पर। माय पॉइंट पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर एक स्टाइलिश पॉइंट को ऐड करना है। मैं आपको स्क्रीन पर नेम बता रहा हूँ टेक्निकल PTS एंड इसका जो पीछे का वर्ड है ना भाई मुझे इसकी लैंग्वेज नहीं आती है तो आप देख लेना टेक्निकल PTS एंड जो स्क्रीन पर नेम शो कर रहा है ना आपको सेम नेम से पॉइंट मिलेगा। तो आपको देखना है यहाँ पर सबसे नीचे से स्लाइड करना है ऊपर की साइड में। तो मैंने आपको जो पॉइंट का नेम बताया वही नेम से आपको पॉइंट ढूंढना है एंड आपको अपने टेक्स्ट में ऐड करना है। टेक्स्ट में ऐड करने के बाद में अब आपको इसको और भी स्टाइलिश बनाने के लिए आपको जाना है कलर पर। कलर पर जाने के बाद में आप यहाँ पर अपनी पसंद वाला कलर भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मैं अपनी पसंद का यहाँ पर कोई एक कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। सबसे पहले आपको यही वाला कलर सिलेक्ट करना है। इस कलर को सिलेक्ट करने के बाद में आपको राइट करना है। राइट करने के बाद में आपको जाना है लास्ट में शैडो ऊपर। डन आपको यहाँ पर शैडो को इनेबल करना है। अब आपको एक बार फिर से कलर पर जाना है। कलर पर जाने के बाद में अब यहाँ पर जो कलर मैं ऐड कर रहा हूँ ना वही कलर आपको अपने टेक्स्ट में ऐड करना है। तो आपको अलग अलग कलर अपने टेक्स्ट में ऐड करना है। तो उसके लिए आपको नीचे से टेक्स्ट को कॉपी कर देना। डन आपको अपने पसंद का कलर ऐड कर देना। उसके बाद में आपको प्लस पर जाना है। फॉर्म गैलरी पर जाना है। फॉर्म गैलरी पर जाने के बाद में अब आपको यहाँ पर एक इंस्टाग्राम का लोगो वाला PNG सिलेक्ट करना है। तो आपको यहाँ पर जो लोगो PNG सिलेक्ट करना है इसका लिंक डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पर एंड इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में। तो आपको दोनों जगह में से कहीं से भी डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद में इस तरीके से सिलेक्ट करना है। आपको सिंपल से इस लोगो को डाउनलोड कर सिलेक्ट करना है। आपको बैकग्राउंड वगैरह को रिमूव नहीं करना है। मैं आपको PNG बनाकर दे दूंगा। अब आपको इसको यहाँ पर ऐड करना है। इसको यहाँ पर ऐड करने के बाद में आपको प्लस पर जाना है। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। डन आपको एडिट पर जाना है।
एडिट पर जाने के बाद मैं आपको यहाँ पर अपने इंस्टाग्राम आईडी के यूजर्स नेम लिखना है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ, एट द रेट लगाकर आकाश क्रिएटर जोन इस तरीके से मैंने लिख दिया। तो फिलहाल आकाश क्रिएटर जोन नेम से मेरा कोई भी इंस्टाग्राम का आईडी नहीं है, मेरा जो ऑफिशियल आईडी है ना वो टिप्स एंड ट्रिक नेम से है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताया था आकाश क्रिएटर जोन लिखकर, जैसे कि आपको अपना यूजर्स नेम किस तरीके से लिखना है, तो मैंने यहाँ पर अपना ऑफिशियल आईडी का नेम डाल दिया। सेम इसी तरीके से आपको अपने इंस्टाग्राम आईडी के यूजर्स नेम वगैरह लिखना है। बाकी आपको एक बार फिर से ऊपर की साइड में प्लस के आइकन पर टैप करना है। प्लस पर जाने के बाद में आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, डन। आपको एडिट पर जाना है, एडिट पर जाने के बाद में आपको यहाँ पर इमोजी देना है। अब आपको यहाँ पर तीन इमोजी बनाना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, हाथ जोड़ने वाला, हार्ट वाला, इस तरीके से आपको इमोजी को बना देना जो मैंने बनाया ना सेम तरीके से। उसके बाद में आपको सबसे लास्ट में जाना है, यहाँ पर आपको लास्ट में 3D शेडो को इनेबल करना है। बाकी इसका ओपेसिटी वगैरह आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। इस तरीके से कंप्लीट क्रिएट करने के बाद में आपको इसको PNG करना है। मैं आपको बता रहा हूँ, इसको PNG बनाने के लिए आपको नीचे की साइड में फोर्थ नंबर पर टैप करना है, डन। आपको कलर के सेकंड नंबर पर टैप करने के बाद में इसको PNG करना है। PNG करने के बाद में आपको ऊपर की साइड में शेयर के आइकन पर टैप करना है, डन। इसको पिंक क्वालिटी कर शेप टू गैलरी, इसको गैलरी में शेप करने के बाद में अब आपको अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन से बैक आना है, डन। आपको अपनी वीडियो को एडिट करने के लिए अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना है हर बार की तरह। तो जैसे कि आप अपने अलाइट मोशन एप्लीकेशन को ओपन करोगे कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आपको सबसे पहला काम करना है, आपको XML फाइल को अलाइट मोशन के प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना है। अब आप सोच रहे भाई प्रोजेक्ट में तो हम इंपोर्ट कर लेंगे, बट XML फाइल कहाँ पर मिलेगा, डाउनलोड कैसे करना है, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। XML फाइल का लिंक मिलेगा आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर एंड इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वहाँ से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में आपको उसको अलाइट मोशन के अंदर इंपोर्ट कर लेना। अगर आपको इंपोर्ट करना नहीं आता है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो का लिंक डाल दूंगा, उस वीडियो को देखकर आप सिंपल तरीके से XML फाइल को इंपोर्ट कर सकते हो। अब आपने जो प्रोजेक्ट इंपोर्ट किया ना वो वाला प्रोजेक्ट सिलेक्ट करना है। जैसे आप सिलेक्ट करोगे ना आपको वहाँ पर सिर्फ एक लेयर मिलेगा, यहाँ पर आपको दो लेयर मिल रहे हैं बट आपको वहाँ पर एक ही लेयर मिलेगा। तो आपको सिंपल से लेयर पर टैप करना है। लेयर पर टैप करने के बाद में आपको यहाँ पर नीचे की साइड में एक इफेक्ट का ऑप्शन मिलेगा, तो आपको इफेक्ट पर जाना है। इफेक्ट पर जाने के बाद में आपको 3 डॉट पर टैप करना है, डन। आपको इसको कॉपी इफेक्ट करना है। कॉपी इफेक्ट करने के बाद में आपको इस वाली प्रोजेक्ट से बैक आना है। बैक आने के बाद में आपको सबसे नीचे की साइड में यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकन शो कर रहा है, तो आपको प्लस पर टैप करना है, डन। आपको सबसे पहले इसको 9x16 में करना है। 9x16 में करने के बाद में आपको बैकग्राउंड में लाइट ग्रे सिलेक्ट करना है, डन। आपको करना है क्रिएट प्रोजेक्ट। क्रिएट प्रोजेक्ट करने के बाद में अब आपको सबसे नीचे की साइड में प्लस के आइकन पर टैप करना है। इस प्लस के आइकन पर टैप करने के बाद में आपको जाना है मीडिया पे। मीडिया पे जाने के बाद में आपको यहाँ पर वो वाला PNG सिलेक्ट करना है जो आपने पिक्सल लैब से क्रिएट किया था हनुमान जी वाला, तो आपको PNG को सिलेक्ट करना है, डन। आपको सबसे पहले PNG को बीच सेंटर में ऐड करना है, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर इसको बीच सेंटर में ऐड करना है। उसके बाद में आपको लेयर को आगे की साइड में सिलेक्ट करना है। ध्यान रखना है आपको उतना ही करना है जितने सेकंड का आप वीडियो क्रिएट करना चाहते हो। जैसे कि मैं अपना वीडियो 6 सेकंड का बनाना चाहता हूँ, तो मैंने इसको 6 सेकंड कर दिया। उसके बाद में आपको लेयर पर टैप करना है। लेयर पर टैप करने के बाद में आपको जाना है इफेक्ट पर, देन आपको सेम तरीके से 3 डॉट पर टैप करने के बाद में इसको पेस्ट इफेक्ट करना है। वहाँ पर आपने कॉपी इफेक्ट किया था, यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट करना है। आपका वीडियो बनकर कंप्लीट। अब आपको यहाँ पर एक लास्ट प्रोसेस करना है, आपको इसमें ऑडियो को ऐड करना है। वीडियो को स्टार्टिंग में आना है, देन आपको प्लस पर जाना है। प्लस पर जाने के बाद में आपको अपने ऑडियो वाले सेक्शन में से ऑडियो को सिलेक्ट कर लेना। फिलहाल मैं तो यहाँ से ऑडियो वगैरह को ऐड नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम से यूज करता हूँ। अगर आप यहाँ से करोगे तो आपका वीडियो वायरल होने के काफ़ी कम चांसेस रहते हैं, तो आप चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं करना चाहते मत करना, भाई आप पे डिपेंड करता है। बाकी आप अपनी वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना।